हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि ब्रोकन लिंक बिल्डिंग क्या होती है और उसका वर्क प्रोसेस क्या होता है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो में सब चीज़ें मैनुअली बता रहा हूँ, और इसे नेक्स्ट वीडियो में सब चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ब्रोकन लिंक बिल्डिंग का प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, ठीक है? तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना, इस वीडियो को एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्रोकन लिंक बिल्डिंग होती क्या है। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग में सबसे पहले हम उन बैकलिंक्स को फाइंड करते हैं किसी वेबसाइट के जो ब्रोक हो चुके हैं। मतलब जैसे उन बिल्डिंग पे कोई क्लिक करता है तो 404 एरर आता है और वो ब्रोक हो चुके हैं, ठीक है? उसके बाद जो उस वेबसाइट का ओनर होता है, हम उससे डिस्कशन करते हैं कि सर आपकी वेबसाइट पे ये लिंक ब्रोक हो चुका है, इससे 404 एरर है। उसको सजेस्ट करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं कि आप इसकी जगह हमारा लिंक पेस्ट कर दो, ठीक है? ताकि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ना डिक्रीज हो, ठीक है? तो हम इस तरीके से नेगोशिएशन करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि ब्रोकन लिंक बिल्डिंग क्या होती है। इसमें हम अपने लिंक को, किसी ब्रोक लिंक को अपने लिंक में रिप्लेस कराते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ कि ब्रोकन लिंक बिल्डिंग का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमारी कोई फाइनेंस की वेबसाइट है, हम फाइनेंस की वेबसाइट को यूएसए में रैंक करना चाहते हैं, तो हमने सबसे पहले वो साइट फाइंड करनी है जो ऑलरेडी फाइनेंस कैटेगरी में है और यूएसए में रैंक हो रखी है, ठीक है? जैसे कि कोई वेबसाइट हमें दो चार वेबसाइट हमने निकाली भी ली जो यूएसए में रैंक हो रखी है, फाइनेंस कैटेगरी की है। तो हमने उन्हें क्या करना है, हमने उन वेबसाइट को AHREF टूल में डालना है, एक वेबसाइट को, ठीक है? ब्रोकन लिंक बिल्डिंग देखने के लिए आपको AHREF टूल पे ही विश्वास करना पड़ेगा, कि वही ब्रोकन लिंक दिखाता है, ठीक है? SCMRush भी ब्रोकन लिंक नहीं दिखाता, वैसे AHREF में ही ब्रोकन लिंक मिलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमने वेबसाइट के URL कॉपी पेस्ट करके AHREF में डालना है। AHREF में डालने के बाद वहाँ पे साइड में ऑप्शन आ जाता है, डैशबोर्ड में ब्रोक में 404 एरर लिंक्स का ऑप्शन आ जाता है। तो हमें क्या करना है, उन लिंक्स को हमें उस वेबसाइट के निकालने हैं। तो उस जैसे हम 404 एरर पे क्लिक करते हैं तो उस वेबसाइट के जितने ब्रोकन लिंक होते हैं वो सब सारे लिंक शो हो जाते हैं, ठीक है? तो उसके बाद हम उनको ओपन करके देखते हैं तो ब्रोक हो चुके होते हैं लिंक। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उस वेबसाइट के ओनर से बात करेंगे कि सर आपकी वेबसाइट पे ये लिंक ब्रोक हो चुका है, इससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग पे इफेक्ट डालेगा, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डिक्रीज हो जाएगी, तो मैंने आपकी हेल्प करी है, आप इस ब्रोकन लिंक के बजाय इस कीवर्ड पे हमें लिंक दे दे, हमारे URL जो हमारी वेबसाइट का URL है उसको उस पर अटैच कर दे, ठीक है? यह बिल्कुल फ्री प्रोसेस होता है, इसमें हमें हेल्प करनी होती है जिस वेबसाइट के लिंक ब्रोक हो चुके हैं। यह बिल्कुल फ्री प्रोसेस होता है, कोई इसमें पेड प्रोसेस नहीं करना होता। तो क्लाइंट हमारे इस बात से खुश हो जाता है कि इसने हमारी इस चीज में हेल्प करी है, कि हमारी वेबसाइट पर जो लिंक ब्रोक हो चुका होगा वो इसने बताया है, तो उसको हमें इजीली वहां से लिंक दे देता है। तो यह एक बैकलिंक्स की ट्रिक्स है, वैसे बैकलिंक्स एक्टिविटी है, पर इसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपने किसी वेबसाइट को फाइंड करना है जो भी आप कैटेगरी से रिलेटेड है, कंट्री में रैंक हो रखी है, उसके बाद वो AHREF में डालना है। AHREF में 404 का ऑप्शन होता है, तो 404 के ऑप्शन में क्लिक करना है, वहां पर उस वेबसाइट के जितने भी 404 लिंक है जिन पे 404 एरर आ रहा है तो सबको शो करा देगा। तो हमने उनको हर लिंक पे उसकी वेबसाइट के ओनर को सजेशन देना है कि सर हमें ये लिंक भी ब्रोक, आपकी वेबसाइट का ये लिंक भी ब्रोक है, तो हमें इन सब कीवर्ड्स पे हमारा URL डाल दे, ताकि अब मैंने आपकी हेल्प करी है तो आप भी मेरा कुछ फ़ायदा करें इस चीज़ के बारे में, ठीक है? तो वो खुश हो गया, हमें इजीली वहाँ से बैकलिंक दे देता है। तो ब्रोकन लिंक बिल्डिंग एक्टिविटी ये होती है, यह बिल्कुल फ्री होती है, इसमें पेड नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है? तो ये एक फ्री प्रोसेस है और ये काफ़ी इफेक्टिव है। इसमें हमें जो अच्छी क्वालिटी कंटेंट हो रहे हैं, जो रैंक हो रखे हैं और उनके लिंक ब्रोक हो चुके हैं, तो वहाँ से हमें लिंक मिल जाता है। जिन एक पेज पे मिलियनों में ट्रैफिक होता है, तो अगर उस पर कोई लिंक ब्रोक हो जाता है, अगर वहाँ से हमें अपनी उस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट पे लिंक मिल गया, हमने URL पे लिंक मिल गया, तो उससे हमारी वेबसाइट पे अनलिमिटेड ट्रैफिक आ जाता है, ठीक है? तो बिल्कुल प्लेनली मैंने आपको बता दिया कि ब्रोकन लिंक बिल्डिंग क्या होती है, उसका प्रोसेस कैसे होता है। इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब चीज़ें प्रॉपर करके दिखाऊंगा, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग में किस तरीके से नेगोशिएशन करनी है, किस तरीके से ब्रोकन लिंक्स निकालने है, किस तरीके से उसको सजेस्ट करना है, वो सब चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और हम वीडियो को ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि और लोग ब्रोकन लिंक बिल्डिंग के बारे में सीख सके, ठीक है? और हम इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करो, वहां पर हम लेटेस्ट अपडेट डालते रहते हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होती है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।